वेलकम टू ओशन ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम 10th क्लास का 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी करेंगे। बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज की हमने निकालना कि कोई इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या है होने की या ना होने की, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी फाउंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ही डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के कंडीशन भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू वन, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि जीरो से छोटी क्यों नहीं हो सकती या वन से बड़ी क्यों नहीं हो सकती, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट बताऊंगी मैं। तो हम पहले कुछ और प्रोबेबिलिटी के कुछ और रिजल्ट्स कर लेते हैं। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन है, दैट मींस इट इज एन श्योर इवेंट कि वो इवेंट होना ही होना है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, मींस वो इवेंट नहीं हो सकता। एग्जांपल लेते हैं इवेंट का। हमारे पास इवेंट है थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस इवेंट है थ्रोइंग एंड डाइस। तो थ्रो डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आती है, क्या क्या आ सकता है उसमें आउटकम्स? वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है। आई होप आपको डाइस के बारे में सबको पता होगा, जो हम वो लूडो खेलने में यूज करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक नंबर होते हैं ना उसपे, तो वही उसकी सैंपल स्पेस, ठीक है। इसमें इवेंट प्रोबेबिलिटी फाउंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं गेटिंग अ वन डिजिट नंबर, गेटिंग अ वन डिजिट नंबर। ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने हैं वन डिजिट नंबर? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सारे नंबर क्या हैं? वन डिजिट नंबर। तो टोटल आउटकम्स कितनी है? टोटल भी हमारे पास सिक्स है, तो सिक्स वन सिक्स इज इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी आ गई वन, दैट मीन्स दिस इज एन श्योर इवेंट, ठीक है। अब निकालते हैं पी ऑफ गेटिंग अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर आने के लिए हमारे पास इसमें कितनी आउटकम्स हैं? टू डिजिट नंबर तो कोई भी नहीं है इसमें, तो मीन्स आउटकम्स तो जीरो है, टोटल आउटकम्स जीरो, तो ये हो गया जीरो, दैट मीन्स इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ऐसे अगर वन आएगी तो श्योर इवेंट, जीरो आएगी तो इम्पॉसिबल। अब बात करते हैं कि ग्रेटर देन वन क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर देखो प्रोबेबिलिटी इवेंट की वन होगी, ग्रेटर देन वन होगी, तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आना चाहिए? फेवरेबल आउटकम्स ग्रेटर होगा टोटल आउटकम्स के, क्यों? क्योंकि अगर नीचे वाला ये ऊपर बड़ा होगा तभी तो ये वन से ग्रेटर आएगा, अगर नीचे टोटल सिक्स है तो ऊपर सेवन आएगा या सिक्स पॉइंट कुछ आएगा तभी तो वो वन से ग्रेटर आएगा। हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की किसी भी कंडीशन में सिक्स से ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि सैंपल स्पेस में से ही तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स भी आती है। सैंपल स्पेस में सिक्स नंबर है, सिक्स से ज्यादा हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन। इसी तरह लेस देन जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस में तो कोई आउटकम हो नहीं सकती, या तो जीरो हो सकती है या वन टू थ्री फोर हो सकती है, या जितने भी टोटल है उससे कम ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो से छोटी नहीं होती और वन से बड़ी नहीं होती। तो कुछ और सैंपल स्पेस बनाते हैं हमारे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सैंपल स्पेस हमारी बहुत काम आती है। तो हमने थ्रोइंग अ डाइस की तो कर ली, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। थ्रोइंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ कॉइन, एक कॉइन थ्रो करते हैं तो क्या आ सकती है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये हमारी उसकी सैंपल स्पेस होगी, ठीक है। थ्रोइंग टू कॉइन्स, टू कॉइन्स थ्रो करते हैं तो क्या हो सकता है? मान लो एक पे हेड आ गया, एक पे टेल आ गया, पहले पे टेल हो गया आ गया, दूसरे पे हेड हो गया, दोनों पे हेड हो गया या दोनों पे टेल हो गया,
यही हमारे पास आ सकती है। तो ये हमारे पास थ्रोइंग टू कॉइंस की पॉसिबिलिटी आ गई, थ्रोइंग टू डाइस की, थ्रोइंग टू डाई। तो क्या हो सकती है हमारे पास, वन वन, वन के साथ वन आ जाए, वन के साथ टू आ सकता है, वन के साथ थ्री आ सकता है, वन के साथ फोर आ सकता है, वन के साथ फाइव आ सकता है, वन के साथ सिक्स आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट में वन आ जाए, बाकी सब में वन टू थ्री फोर सिक्स फाइव सिक्स आ जाए। ऐसे टू के साथ भी होगा, ऐसे थ्री के साथ भी होगा, थ्री वन टू थ्री सिक्स, ऐसे फोर के साथ भी, फाइव के साथ भी एंड सिक्स के साथ भी। टोटल सिक्स सिक्स तक हमारी ये आ जाएंगे। तो ये इसमें हमारी टोटल आउटकम्स 36 होंगी। ठीक है, तो ये हमारी इसमें बनती है, बीच में आप फिल कर सकते हैं सिक्स के साथ और बस सिक्स फोर सिक्स फाइव या बीच में सो ऑन। इसके बाद हम बात करते हैं कार्ड्स की। हमारे पास ये 15 चैप्टर में क्लास 10 में दो सैंपल स्पेस बहुत जरूरी है, एक तो हमारी डाइस वाली और दूसरी कार्ड्स वाली, कार्ड्स डेक ऑफ कार्ड्स। टोटल कितने होते हैं उसमें, 52 कार्ड। ठीक है, 52 कार्ड में 13 आर ऑफ रेड कलर, 13 प्लस 13 दो रेड कलर के होते हैं और 13 प्लस 13 ब्लैक कलर। ये मैंने 13 प्लस 13 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें फोर ग्रुप्स होते हैं, फोर ग्रुप्स। फोर ग्रुप्स में क्या आता है, स्पेड, 13 स्पेड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं एंड 13 क्लब होते हैं। स्पेड का हमारे पास उल्टा हार्ट जैसा कुछ होता है, ये हमारे पास स्पेड का साइन होता है, हार्ट का तो हार्ट ही रहेगा। डायमंड का हमारे पास जैसा होता है, क्लब का हमारे पास, क्लब का तो सही नहीं बना बट कुछ सिमिलर ऐसा ही होता है। ठीक है, ये क्लब का होता है। ठीक है, इसमें से रेड कलर के कौन से होते हैं, हार्ट एंड डायमंड रेड कलर के एंड ये दोनों ब्लैक कलर के, ब्लैक एंड ये भी ब्लैक में। 13 कार्ड्स क्लब में, 13 डायमंड में, 13 हार्ट में एंड 13 स्पेड में। अब ये जो 13 कार्ड्स होते हैं सब में, 13 में क्या होता है, 13 में होता है इसमें ए होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J K Q। ठीक है, क्यू पहले लिख लो, के बाद में आता है। जे क्यू के, ठीक है। ए को हम बोलते हैं एस, 1 2 3 4 5 6 7 तो होंगे ही। जे को बोलते हैं जैक, क्यू को बोलते हैं क्वीन एंड के को बोलते हैं किंग। जे क्यू एंड के ये फेस कार्ड्स होते हैं। ये सारे 13 जो भी फोर ग्रुप्स हैं 13 13 के सब में यही होता है। ए फोर टाइप्स की होंगी, वन स्पेड, वन हार्ट, वन डायमंड एंड वन क्लब। ऐसी जैक भी वन स्पेड, वन हार्ट, वन डायमंड, वन क्लब। तो इसमें टोटल इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल ये हमारे पास ये फोर फोर सब में आ गए, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 फोर टाइम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, 12 फेस कार्ड्स। अगर आपको पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी, 12। अगर हमें पूछा गया रेड कलर तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी, 13 एंड 13 26। अगर फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ब्लैक कलर तो 13 प्लस 13 26।
26 ऑफ ब्लैक कर लें, 26 ऑफ। ये हमारी प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो मैंने आपको बताए थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, वो क्वेश्चंस हम करेंगे एनसीईआरटी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।